हाय एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बिना दवाई बिना चूहे को मारे घर से बाहर कैसे निकालें। चूहे से हम सब लोग परेशान हो जाते हैं। चूहे अगर घर में एक बार घुस जाए तो परेशान करके रख देते हैं। चूहे आपके कपड़े, फर्नीचर, किताबें, खाने पीने के सामान, सभी चीज़ों को बहुत ही नुकसान करते हैं। चूहों को इधर उधर घर में दौड़ता देख बहुत ही गुस्सा आता है। इसे कैसे घर से बाहर निकालें? ये कभी घर से बाहर भाग जाते हैं और कभी घर के अंदर भी आ जाते हैं। जगह जगह पर ये गंदा कर देते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। ये घर में सामान को भी नुकसान नहीं पहुँचाते, इससे कई सारी बीमारियाँ होने का भी डर रहता है। रात में जब सब सो जाते हैं तो ये बहुत ही चालाकी से आते हैं और सारा सामान कुतर देते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तब तो और भी ज़्यादा डर लगता है। बिजली का तार जो होता है उसे ये काट देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का भी डर रहता है। हम लोग इसे मारने के लिए चूहे दाने मंगाते हैं पिंजरा, और क्या होता है, एक बार तो ये फंस जाता है लेकिन दोबारा ये नहीं फंसता है। कारण क्या है फ्रेंड्स, एक बार जब इसमें चूहे फंस जाते हैं तो क्या होता है, इसमें स्मेल आने लगती है और इसके स्मेल के कारण चूहा समझ जाता है कि इसमें ज़रूर कोई खतरा है। तो वो एक बार तो घर में घुसता है, दोबारा वो पिंजरे के अंदर नहीं घुसता है। और इसके फैलाए हुए गंध से बहुत ही अजीब तरीके की बदबू आती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे 6 घरेलू नुस्खे शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यकीन मानिए, अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपके घर में दोबारा कभी चूहे नहीं आएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इसे लाइक और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए फर्स्ट टिप्स है प्याज। फ्रेंड्स, प्याज का महक जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी सुगंध चूहों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। आप भी जानते हैं कि जब हम लोग प्याज काटते हैं तो इसकी स्मेल इतनी तेज होती है कि हमारे आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो इसका यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक नाइफ लेकर के इसको राउंड शेप में काट लें। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, इसको पतले पतले साइज में ही आपको काट लेना है। तो इसके लच्छे निकाल लें हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसके लच्छे निकाल दिए हैं और जहाँ भी चूहे का बिल है, जहाँ से चूहे का आने का रास्ता है, वहाँ पर इस तरह से आप इसको बिछा दीजिए। तो जब भी चूहे घर से बाहर निकलेंगे और इसका सुगंध पाएंगे तो वो घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका सुगंध उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। इसके सुगंध से चूहे का दम घुटने लगेगा और वहाँ से वो भाग जाएगा। इसको लगातार करें, बहुत ही बेस्ट। नेक्स्ट टिप्स भी बहुत ही यूजफुल है। इसके लिए आपको लेना है नैपकिन की गोली, जिसे हम कपड़ों में डालते हैं। और आप भी जानते हैं इसका जो स्मेल होता है कितना स्ट्रॉन्ग होता है। जब कपड़े में डालते हैं तो इसकी सुगंध बहुत दूर तक जाती है। और घर में जितने भी कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, चूहे हैं, उसको इसकी गंध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो अब क्या करें, आप एक गोली लेकर के चूहे के बिल के सामने रख दीजिए। चूहे को इसकी गंध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसकी सुगंध से वो घर से भाग जाएंगे और या तो दम घुटने के कारण वो मर जाएंगे या तो वो मूर्छित हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्मेल करती है तो इसकी गंध उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका पाउडर बना लीजिए। आप थोड़ा सा आटे में मिला करके इसकी गोली बना लीजिए। इस तरह से गोली बनाने के बाद आप उसके बिल के पास रख दीजिए। वो जैसे ही खाएगा वो बाहर जा करके मर जाएगा। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप ज़रूर से इसको फॉलो करें। नेक्स्ट टिप्स भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसके लिए आपको लेना है कपूर। ये वही कपूर है जिससे हम पूजा आरती करते हैं। आप भी जानते हैं इसकी स्मेल बहुत ही तेज होती है। जब हम लोग घर में हवन या फिर आरती करते हैं तो इसकी गंध पूरे घर में फैल जाती है। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जिस दिन आप कपूर घर में जलाते हैं या फिर आरती करते हैं, उस दिन आपको घर में कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसकी गंध इतनी तेज होती है कि उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, एक कपूर आपको प्लेट में जला लेना है और जहाँ से भी चूहे आने का रास्ता है फ्रेंड्स, वहाँ से थोड़ा सा हटा करके आपको जला करके रख देना है और खिड़की केवाड़ी को बंद कर देना, और इसकी गंध से आपके घर में कभी भी चूहे दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट आपको लेना है मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप भी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होता है और ये चूहों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। आपको लेना है यहाँ पर बिस्किट।
बिस्किट फ्रेंड्स कोई सा भी आप ले सकते हैं, और बिस्किट चूहों को बहुत ही ज़्यादा पसंद पड़ता है। और इसके ऊपर चारों तरफ से आपको मिर्च पाउडर का छिड़काव करना है, और जहाँ से भी चूहे का बिल है, जिस रास्ते से वो आता है, आपको एक से दो बिस्किट वहाँ पर रख देने हैं। जैसे ही चूहा बिल से बाहर आएगा, वो कोई भी चीज़ खाने से पहले सूंघता है। आप सोच सकते हैं सूंघने के बाद उसके नाकों और आँखों में जाने वाला है और उसका क्या हाल होने वाला है। जब ये मिर्च का पाउडर उसके नाक के अंदर जाएगा तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और वो वहाँ से बाहर भाग जाएगा। तो फ्रेंड्स, बाहर भागने के बाद वो कभी भी अंदर वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट टिप्स भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगला टिप्स है कोल्ड ड्रिंक को लेकर के। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में कोल्ड ड्रिंक को निकाल लें थोड़ा सा, और जहाँ भी चूहे आने का रास्ता या फिर बिल है वहाँ पर रख दें। जैसे ही चूहे इसको पियेंगे और उसके पेट में गुरगुरी होगी, वो बाहर जा कर के मर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी टिप्स को यूज करके आप अपने घर से चूहों को हमेशा के लिए भगा सकती है। यकीन मानिए, ये 100% वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो इसे फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।